नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है उसका। सबसे पहले रुक कर लेते हैं तो गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। गौशाला में मुख्यमंत्री ने कौत सेवा की है। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना है। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनता दरबार में सुनी जनता की समस्या, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर दौरा तीसरा दिन है आज, और जानकारी दे दें गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गौशाला में मुख्यमंत्री ने गौ सेवा की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना है, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गौशाला में मुख्यमंत्री ने गौ सेवा की है। बड़ी खबर, जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। बड़ी जानकारी, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर दौरा मुख्यमंत्री का, गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गौशाला में मुख्यमंत्री ने गौ सेवा की है। तो जनता दरबार में समस्याओं को सुना मुख्यमंत्री ने, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। गोवर्धन पूजा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, गौवंश संवर्धन व प्रकृति का संरक्षण लोक मंगलकारी भाव प्रदर्शित करने हेतु गोवर्धन पूजा के प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि प्रदेशवासियों एवं समस्त श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण करें और सुख समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है उसका, रुक कर लेते हैं लखनऊ से। आपको बता रहा हूं, उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जयंत चौधरी 6 नवंबर को गाँव में प्रचार प्रसार यहाँ पर करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की मोरना वीरापुर में जनसभा होगी। 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी करेंगे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना होनी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल करेंगे सम्मेलन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 नवंबर को करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 9 और 10 नवंबर को अखिलेश मीरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मीरापुर में 6 नवंबर को जयंत चौधरी प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर, 9 नवंबर को सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल का प्रचार प्रसार का यह अभियान। मीरापुर में जयंत चौधरी करेंगे प्रचार। 6 नवंबर को जयंत चौधरी प्रचार करेंगे। जानकारी आपको दे दें, 9 नवंबर को सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी की मोरना मीरापुर में जनसभा होगी। भूपेंद्र चौधरी करेंगे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। वहीं 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी करेंगे सम्मेलन। 13 नवंबर को मतदान और 23 को होगी मतगणना। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, उपचुनावों की जंग के बीच अगर देखा जाए तो यहां पर बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है पूरी तरीके से प्रचार 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 प्रसार के अभियान में जुट गए हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में।
सीएन मिश्रा आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। तो चुनाव इस बार किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो जनता जो है वो तय करेगी, लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल पूरा रहने वाला है प्रचार प्रसार का वो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए भी दिखाते चल रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान जो है वो तेज कर दिया है। 6 नवम्बर को जयंत चौधरी प्रचार करते नजर आएंगे, उधर 9 नवम्बर को सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। बता दें आपको सीएम योगी की मोरना मीरापुर में जनसभा होगी, भूपेंद्र चौधरी करेंगे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी करेंगे सम्मेलन, ये जानकारी आपको दे। 13 नवंबर को मतदान और 23 को होगी मतगणना। 4 नवंबर को श्यामलाल पाल करेंगे सम्मेलन, जानकारी आपको दे दें। तो चुनाव के इस जंग में आपको बता दें कि तमाम जो सियासी दल हैं अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों की अगर बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपको बता दें कि प्रचार प्रसार अभियान जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो बता दें 9 सीटों पर उपचुनाव जो है वो होने हैं, और इस बीच यूपी में जो सियासी हलचल है उपचुनावों को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तमाम अन्य दल जो है वो भी अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए हैं। और इस बीच अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो 6 नवंबर को जयंत चौधरी करेंगे प्रचार अभियान। और टीएन एक बार फिर टीएन मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, उपचुनावों को लेकर बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने तैयारियां तेज कर दी हैं प्रचार प्रसार को लेकर। टीएन मिश्रा आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं उपचुनावों की जंग में इस बीच सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो यहां पर झोंक दी है। 9 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से यहां पर युद्ध स्तर पर प्रचार अभियान में जुट चुकी है, और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो बता दें आपको कि ये 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की जो जंग है वो नाक का सवाल यहां पर बनी हुई है। और बीजेपी की तरफ से अगर बात यहां पर की जाए तो प्रचार प्रसार अभियान में पूरी ताकत जो है वो झोंक दी गई है। अन्य सियासी जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो भी पूरी जोर आजमाइश में यहां पर लगी हुई हैं। तो चुनाव की जंग में आपको बता दें कि प्रचार अभियान जो है तेज कर दिया गया। 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, 13 नवंबर को मतदान और 23 को होगी मतगणना। 4 नवंबर को श्यामलाल पाल करेंगे सम्मेलन, 9 से 10 नवंबर को अखिलेश मीरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको 6 नवंबर को जयंत चौधरी प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे, 9 नवंबर को सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की मोरना और मीरापुर में जनसभा होगी, भूपेंद्र चौधरी करेंगे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। तो 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी करेंगे सम्मेलन, 13 नवंबर को मतदान और 23 को होगी मतगणना। 4 नवंबर को श्यामलाल पाल करेंगे सम्मेलन, 9 से 10 नवंबर को अखिलेश मीरापुर में जनसभा करेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। टीएन मिश्रा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, पूरी तरीके से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार अभियान में। देखिए लगातार जो है जब से जो है ये उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है मोर्चा संभाले हुए हैं, और अखिलेश यादव उधर विपक्ष से मोर्चा संभाले हुए हैं कि इंडिया गठबंधन जिताने के लिए पूरी पूरी जो है कोशिश की जा रही है। और अब जो है जहां तक मीरापुर सीट की बात है, देखिए प्रतिष्ठा थी, जब जयंत चौधरी की सीट दी गई तो जयंत चौधरी खुद जो है उसके लिए आएंगे, और जो है 6 तारीख को जयंत चौधरी रैली करेंगे और गाँव में संपर्क करेंगे।
9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मीरापुर और मोरना में सभा में दो सभाएं करेंगे और सभाएं करने के बाद वो जो है लोगों को बताएंगे किस तरह बीजेपी आगे जो है रणनीति निर्धारित करेगी, किस तरह जो है ये लोगों का जी तो ये लेकर के लगातार जो है बीजेपी इसको जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। और बीजेपी की सबसे बड़ी चीज है कि उसका कहना है 9 से 9 सीटें जीतेगी, 9 सीटें कैसे जीतेगी तो इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है अपना रणनीति बनाई है पूरी। और उसको भूपेंद्र चौधरी भी 4 नवंबर को अपना सम्मेलन कर रहे हैं, उधर सपा भी 4 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करे, तो कार्यकर्ताओं से लेकर के और जो है नेताओं तक सारे लोग एकजुट होकर के अपनी अपनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी अपना दावा कर रही है कि 9 से 9 सीटें जीतेंगी और जो है इंडिया गठबंधन अपना जो सपा दावा कर रही है कि मैं 9 से 9 सीटें जीतूंगी। दोनों के सहयोगी संगठन साथ में लगे हुए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो और चाहे वो जो है बीजेपी की बात हो। तो ये माना जा रहा है कि चुनाव बहुत जो है कांटे का होगा और टक्कर एक कांटे की होगी और दोनों जो है पार्टियां अपने अपने दूसरे लगी हुई हैं। और ये बीजेपी पड़ा थोड़ा भारी इसलिए लग रहा है कि बीजेपी के साथ जनमत ज्यादा है और बीजेपी के साथ ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल तीन, हालांकि अन्य राज्यों में हुए चुनावों का असर जो है वो भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन उपचुनावों में पड़ता नजर आ सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर अंदर मजबूती की बात की जाए तो वो यहाँ जमीनी स्तर पर खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव है उनमें कितनी देखने को यहाँ पर मिल रही है। हाँ देखिए, इंडिया गठबंधन में क्या है कि अभी कांग्रेस को कोई सीट मिली नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सीधे से कहा है कि मैं जो है पूरे रूप से इंडिया गठबंधन के साथ हूँ और इंडिया गठबंधन जो है हमारे जो है उसमें चुनाव लड़ेगा। तो अगर इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस साथ है पूरे तौर से तो उसको जो है कोई इसकी बात नहीं है कि हाँ आपस में जो खटास थी वो दूर की जा चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि अब कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हाँ दोनों दलों के बीच जो है सीटों के लिए कोई बात हो, क्योंकि जहां सीटें मिल रही है जो कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद भी नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने सरेंडर करते हुए सीधे से जो है कह दिया सपा चुनाव लड़े, मैं बैकडोर से पूरा समर्थन करूंगी। तो इससे देखिए टक्कर तो होगी क्योंकि सपा का अपना जो वोट बैंक है और 5 सीटें सपा के पास पहले से नहीं थी, तो सपा का दावा है 5 तो जीतेंगे, 5 हमें भी जो है 4 सीटें जो है इसकी जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और वही इंडिया गठबंधन का है, उसके पास 5 सीटें पहले से हैं तो उसका भी 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कर रहे हैं और केंद्रीय नेता भी उनके बात कर रहे हैं। अब ये पता चलेगा जब चुनाव के बाद परिणाम आएंगे 23 तारीख को कि कितना जो है कौन सफल हुआ है, लेकिन 13 तारीख को मतदान में कौन कितना अपने वोटर कन्वर्ट कर पाता है, कितने बूथ तक लोग पहुंच पाते हैं, तो ये स्थिति जो है 13 को क्लियर होगी। लेकिन इससे पहले इतना जरूर है कि सब दल चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो दोनों अपनी रैली करेंगे, दोनों अपनी जो सभाएं कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव मोर्चा संभाले, इधर सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले, तो ये माना जा रहा है ये टक्कर कांटे की होगी। जी लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश कितना देखने को मिल रहा है ये समझना होगा, लेकिन जमीनी स्तर के जो वोटर्स हैं यहाँ पर, वोटर्स का मूड इन 9 की 9 सीटों पर किस तरह देखने को यहाँ पर मिल रहा है ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि 9 सीटें उत्तर प्रदेश की जिनमें उपचुनाव होने वाले हैं वो काफी अहम रोल अदा करने वाली है इन पार्टियों के लिए। हाँ देखिए, ये बात है, ये लिटमस टेस्ट है सत्ता पक्ष का भी कि लगातार योगी आदित्यनाथ में केंद्र की नजर लगी हुई है कि कितने दावे कितने सही हैं और कहां तक कितना जो है 9 सीटें जीतने के दावे किए जा रहे हैं, तो क्या वो 9 सीटें जीत पाएंगे। तो ये सत्ता पक्ष के लिए लिटमस टेस्ट है और दूसरा विपक्ष के लिए भी है कि विपक्ष भी बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम भी सारी सीटें जीत लेंगे, तो विपक्ष कैसे जीतता है ये भी एक समय बताएगा और ये टाइम की बात है। लेकिन कार्यकर्ताओं के मूड की जहां तक बात, देखिए भाजपा जो है नए सिरे से कार्यकर्ता बना रही है, उसने 3 करोड़ का टारगेट अपना रखा, नए कार्यकर्ता बहाने बूथ तक पहुंच गई, और उस सपा की बात है सपा भी बूथ तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है जिस स्तर पर भाजपा पहुंच गई, क्यों भाजपा के बड़े नेता लगातार जो है उसमें अभियान में लगे हुए, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव मौर्य हो और चाहे भूपेंद्र चौधरी जो है बीजेपी अध्यक्ष हो, तो ये लगातार बीजेपी के कनेक्ट कर रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में 30 मंत्री लगातार वहां रहे, तो 30 मंत्रियों ड्यूटी लगाई गई है जिसमें से 12 कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये मान लीजिए जब 12 कैबिनेट मंत्री सहित 30 मंत्री वहां जो है डेरा जमाए हैं, जिनको हर हफ्ते कहा गया कि आप जो सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि आप अपने बूथ पे जाकर के वहीं पर जो है कैम्प करेंगे, तो अगर ये कार्यकर्ता साथ मिल करके वहां रुक रहे हैं और रात विश्राम कर रहे हैं हफ्ते में 2 दिन वहां पर, तो स्वाभाविक है कि जो बीजेपी की बढ़त हो सकती है, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार कैडर बेस्ड पार्टी और लगातार लगी हुई है कि हम कार्यकर्ताओं को एकजुट करके 9 से 9 सीटें जीत लें। लेकिन अब यह समय बताएगा कि 9 सीटें जीतते हैं या कितनी जीतते हैं, लेकिन बीजेपी के दावा पूरा है और पूरी मेहनत पूरी है। जी
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। और उधर आपको जानकारी दे दें कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। तो बीजेपी के आप बचेंगे तो कटेंगे नारे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये और भी निराश हैं और जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। फरुखाबाद में दो पक्षों के बीच चमकार हुई मारपीट, कई राउंड फायरिंग का करने का आरोप, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। उदाम में घर में खाना बनाने समय अचानक फटा गैस सिलेंडर, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। उदाम में सेल्समैन की लापरवाही से अंग्रेजी शराब की दुकान में लगी आग, ग्रामीणों ने पंपिंग सेट लगाकर आग बुझाने का किया प्रयास। उदाम में बाजार में दिन दहाड़े शटर तोड़कर 25,000 की चोरी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, जांच में जुटी पुलिस। जावा के वर्थना में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। बरेली में फतेहगंज पश्चिमी नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। फतेहपुर में पत्रकार की हत्या का मामला, पत्रकार संगठन सहित तमाम संगठन के लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग। फरुखाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने भ्रमण न कर चौकी का किया निरीक्षण, बोले अराजक तत्वों पर लगेगी लगाम। फरुखाबाद में संदिग्ध कार को पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिए गए कार चालक का सहित 4 लोग, बाइक सवार सिपाही को रौंदने का किया था प्रयास। फरुखाबाद के गंगापार के गांव में धड़ल्ले से हो रहा कच्ची शराब बिक्री और जुए का अवैध कारोबार, युवक को अवैध कारोबार की शिकायत करना पड़ा महंगा, दबंगों ने जमकर की पिटाई। और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी इस बीच बता दें, 4 धाम से जुड़ी आ रही खबर, कपाट बंद होने की आज से शुरुआत। तो गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से इसकी शुरुआत हुई है। 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो बंद होंगे। कल केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। आपको बता दें कि 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर, तो 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। 4 धाम से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कपाट बंद होने की आज से शुरुआत हो गई है। 4 धाम गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की शुरुआत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो बंद किए जाएंगे। कल केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदारनाथ मंदिर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। 4 धाम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।